जमीन पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रगति की है तो वह है हम और आप, यानी मनुष्य। कल जो बिना कपड़े लत्तों के था, आज मॉल, बैंकिंग और ऊंचे ऊंचे भवनों के बीच इस तरह घिर गया है कि उसे लगता ही नहीं कि आकाश के बीच वह एक मानव है। पर तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और भी है। निर्झर पानी के बीच ये गंदा कीचड़ भरा पानी और वहीं पर मलिन बस्तियां, झोपड़ियों के लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या हम भी मनुष्य हैं। कई समस्याएं हैं जो एक गरिमापूर्ण जीवन से उनको बहुत दूर ले जाती हैं। बहुत लोग जब झोपड़ी है तो और दोनों मिला के सब मिला के हेलो 500 लोग हैं इसमें। बच्चे जो भगवान की मूरत कहे जाते हैं, जो देश का भविष्य कहे जाते हैं, गंदे पानी में खेलकर अपना बचपन सींचते हैं। मलिन बस्तियों में बिना प्रकाश के रहते लोग बड़ी हसरत से मॉल्स की ओर देखते हैं। कौन इन बच्चों की तरफ सोचेगा? आधुनिकता की दौड़ में स्कूल जाते बच्चे या कूड़ा बटोरते बच्चे, क्या एक जैसे देश का भविष्य है? क्या हम मिलकर भी इन नन्हे भगवान की तरफ इस निगाह से देखते हैं कि कूड़ों में ये क्या ढूंढ रहे हैं? क्या झोपड़ियों से निकलकर ये देश का भविष्य बन रहे हैं या स्कूलों से निकलकर ही देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है? कहीं हम दो तरह के बच्चों के समाज का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं, एक सुविधा संपन्न और एक साधन विहीन? आखिर यह विभेदक रेखा एक असंतुलित समाज बना रही है, जिम्मेदार कौन? औरत एक सबसे सामान्य सा जाने वाला नाम आज सशक्तिकरण के दौर में बुलंदियों की ओर बढ़ रही है, लेकिन सड़क पर बैठी दूसरी औरत कुछ और ही कहानी कहती है। वो अपने जीवन को तलाशती है उन्हीं मनुष्यों के बीच में, ईंटा ढोती, रिक्शा घसीटती, कूड़े में अपना वजूद तलाशती। न जाने सशक्तिकरण की कौन सी परिभाषा सुना रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह जानने के लिए ही हम आपको यह रेखांकित करना है कि मनुष्य कौन है, वो जो अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा पाकर अपने जीवन को समृद्ध करते हैं या वो जो चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। क्या क्या बीमारी फैलता है? हाँ, बीमारी यही है बस, मतलब कॉलरा है जो, हाँ, और किसी के मतलब यह गंदगी से सांस वास फूलने लगा था, बुखार ज्यादा जरूरी सवाल हो जाते हैं, कोई बीमारी यही से मतलब क्योंकि पथरी बन गई, कोई का होगा इसी भाई बीमारी, तो नई नई बीमारी का बीमारी जैसे बुखार चढ़ जाता है, खांसी आता है, अचानक सर्दी पसूरी चलने लगती है। तो मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं? सरकारी में लाई नहीं जाते हैं, सरकारी में कहाँ है, उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ उधर। सरकारी में जाएंगे तो दो गोली दे देगा, गोली में कोई फायदा ही नहीं होते। परमानेंट आओ लगाओ, कैंप गरीब जब सरकार साधन दिए हो अपने। एक दिन पका, दो दिन भूखे लेटो, न कोई रोजी न रोजगार। भैया 200 रुपया दिहाड़ी है, लेकिन जब लड़के हैं पेट नहीं माना तो का करे, 125 रुपया में काम चला था। तो कहीं कोई 100 रुपया दे महीना देख सक रहा था, तो कोई 200 देख सक रहा था। इमा का बच्चन का पढ़ावन का लिखावन का पालन का खान खुद और का तन ढकन, बताओ अब क्या करें, पेट चलाएं कि बच्चों की दवाई दरमत करें, क्या करें, कोई यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं ना। पानी की धार के पीछे दौड़ते इन लोगों को देखकर लगता है मानो बरसों से इनकी प्यास नहीं बुझी। साधन विहीन मनुष्य रोज डर कर सोता है कि कल पता नहीं उसके सीमित साधन भी उसके पास बचेंगे। सरकारी जमीन में तो रहने नहीं देगा। 6 महीने में 6-7 बार टूटा है,
हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग देख के सब आदमी भयंकर कर रहे हैं। इन्हीं दर्दों को बयां करते ये मनुष्य अचानक मौन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं रह गया कि वे मनुष्यों के बीच में ही रहते हैं। किसी भी रहनुमा को जानकर वो खुलकर उसे अपना दर्द बयां करते हैं, बेलौस बेबाक न जाने किस हसरत के साथ, शायद बेहतर जीवन की आशा। और यहाँ पे बहुत कस के पानी भरा था, तो सब तर्वे करने गए, दिल्ली तक से आए, सब कुछ हुआ नहीं। आते हैं तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, लिखा पढ़ी कर ले जाते हैं। इतना तरक्की की दौड़ में पढ़ता आदमी, पुलों पर चढ़ता आदमी, बस स्कूटर कार के बीच में फंसा रिक्शा और ठेला ढोता आदमी अपनी दम तोड़ती जिंदगी से सोचता है कि मेरे अधिकारों के लिए कौन सोचेगा, क्या सम्मानजनक जीवन इनके हिस्से में नहीं है। सभी को एक समान मानव मानने का काम कब होगा, हमारे उसके बीच इतनी दूरी क्यों। कड़ी मेहनत के बाद रिक्शे पर आराम से अखबार पढ़ता आदमी, हंसती हुई महिलाएं, हंसते खेलते बच्चे एक सुनहरे भविष्य की रेखा खींचते दिखते हैं। पर क्या हम इस दिशा में कार्यरत हैं?